हाय राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुंह में घुल जाने वाले एकदम सॉफ्ट मैदा के पेठे। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है। 2 कटोरी मैदा, 2 चुटकी मीठा सोडा, 2 चुटकी बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक। इन सबको बैलेंस करने के लिए इनको अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों जितनी हमने मैदा ली है उसका चौथा हिस्सा मोल लेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं और तेल भी डाल सकते। इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसे इस तरीके से रखना है, बांधे तो बन जाए और तोड़े तो आसानी से टूट जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें सिर्फ इसे बांधना है, गूंथना नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक सार करना है। हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। हमारा डो ऐसा होना चाहिए कि हम इसे तोड़े तो ये हमें ऐसी परत अलग अलग दिखनी चाहिए। दोस्तों हमारी मैदा थक गई है इसलिए हमें उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया है। वो रेस्ट करिए जब तक हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें और चाशनी में 1 कटोरी पानी में 1 कटोरी चीनी डालकर, चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें छोटा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम 1 तार की चाशनी तक पका लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा तार नहीं बनाना है क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो ये वो कड़क हो जाएंगे, 1 तार में एकदम सॉफ्ट बनेंगे। हमारे डो ने रेस्ट कर लिया है और ये अब फूल चुका है। इसको ऐसे 4 भाग में कट कर लेंगे और 2 पार्ट को अलग कर लेंगे। आज हमारा हाथी बेलन का काम करेगा। एक के ऊपर ऐसी परत रख लेंगे और इसको बीच में से कट कर लेंगे। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और हाथ से इसको ऐसे दबाएंगे। दोबारा इसको बीच में से कट करके एक के ऊपर रख के हाथ से दबाएंगे। इसे हमें 5-6 बार करना है और हाथ की सहायता से इसको फैला लेना है। हमें इसे पतला नहीं, हमें इसे इतना मोटा रखना है। अब इसके पीस कट कर लेंगे। हम इसको ऐसे कट करके डीप फ्राई कर लेंगे 10 मिनट तक, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है, 1 तार आ गया है। इसे पलट पलट कर डीप फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इसे चाशनी में डुबो को 10 मिनट तक छोड़ देंगे, जब तक ये चाशनी पी लेगी। देखिए दोस्तों हमारे मैदा के पेठे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय। राधे राधे दोस्तों।